वर्कशीट नंबर 13, बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13 राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट वी लर्न्ड हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, लेट अस क्विकली रिवाइज द प्रिंसिपल। जो हमारी लास्ट पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये सीखा था, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। वी यूजली डिस्क्राइब पीपल इन थ्री वेज। ज़्यादातर हम लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तीन तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। पहला तरीका होता है उनकी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो दिखते कैसे हैं, वो टॉल हैं, वो शॉर्ट हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो हेल्दी हैं, वो वीक हैं, कैसे हैं, वो फ्रेल हैं, वो स्ट्रांग हैं, इस तरह के हमने फिजिकल अपीयरेंस पढ़ी थी। पर्सनैलिटी कैसी है उनकी, वो स्मार्ट हैं, कैसे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल आर एडजेक्टिव्स। तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच को या वर्ड्स को हम लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। लुक एट द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स विच हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब पीपल। आपको एक पैसेज दे रखा है जिसमें आपको एडजेक्टिव्स को या जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं लोगों को उनको अंडरलाइन करना है। सो लेट्स रीड द पैसेज। द गर्ल इन द पिक्चर इज माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया। तो जो मेरी लड़की इस पिक्चर में वो मेरी बड़ी बहन सुप्रिया है, तो एल्डर। शी इज़ वेयरिंग अ वाइट कुर्ता। उसने कैसा कुर्ता पहना है, व्हाइट, तो ये कुर्ते को डिस्क्राइब कर रहा है। कलरफुल दुपट्टा, तो ये भी एडजेक्टिव है। शी इज़ वेयरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर स्माइल है। एंड शी सीम्स टू बी एंजॉइंग हरसेल्फ, वो खुश है। शी ऑल्सो हैज़ सम कलर स्मीर्ड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर भी रंग लगा है। एंड शी लुक्स लाइक शी हैड प्लेड होली, ऐसा लगता है कि वो होली खेल के हटी है। शी इज़ मीडियम इन बिल्ट, वो देखने में मीडियम है, ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है, वो मीडियम है। शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर, उसका व्यवहार कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, वो आत्मनिर्भर लड़की है। शी वर्क्स पार्ट टाइम, वो पार्ट टाइम काम भी करती है स्कूल के साथ। शी इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड एल्डर्स, बड़ों का वो आदर करती है। लविंग टुवर्ड्स यंग पीपल, और जो छोटे हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्यार करती है। तो जो ये वर्ड्स हैं सारे, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिन्हें हमने सर्कल करा है। उसके बाद अब आपको एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में आपको एक सर्कल बना रखा है। यहाँ पर आपसे बोला है कि आपको कोई पिक्चर पेस्ट करनी है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की, किसी भी फ्रेंड की, जिसको और उसको आपको डिस्क्राइब करना है, और आपके जो भी उसके ट्रेट्स होंगे उसको आपको हाईलाइट करना है। आप कुछ वर्ड्स उसकी हाइट को, उसके हेल्थ को, कॉम्प्लेक्शन को, नेचर को, ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। हमने आपके एग्जाम्पल के लिए एक ब्रदर किसी के भाई का एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आपको अपने ब्रदर की पिक्चर लगा सकते हैं। दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई ब्रदर, ही इज़ टॉल, वो लंबा है, पतला है, थिन है। ही हैज़ राउंड फेस, उसका चेहरा गोल है। ही हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक, उसके सीधे गाल पर एक तिल है। ही इज़ वेयरिंग ग्रीन शर्ट, उसने हरे रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है। ही पुट्स ऑन स्पेक्टिकल्स, वो चश्मा पहनता है। ही हैज़ अ पॉइंटेड नोज, उसकी तीखी नाक है। उसके कर्ली ब्राउन कलर के बाल हैं। ही टॉक्स वेरी पोलाइटली, बड़ी ही प्यार से बात करता है। यहाँ पर पोलाइटली एडवर्ब हो जाता है, तो पोलाइटली को बार को हम एडजेक्टिव नहीं मानते, इसको हम एडवर्ब मानते हैं। ही हैज़ वेरी गुड नेचर, उसका बहुत अच्छा नेचर है। एंड ही इज़ फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हेल्पफुल है। इस तरह से आप किसी भी फैमिली मेम्बर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और उसको जो उसमें एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव से डिस्क्राइबिंग वर्ब्स आएंगे उसे आप अंडरलाइन या सर्कल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड आपकी जो आपकी वर्कशीट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।